हमारे सामाजिक और धार्मिक संगठन है और जितनी भी हमारी समाज की बिरादरी है, ये सब मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सब जम्मू वासियों से अपील करता हूँ कि वो परिवार सहित वहाँ उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। और महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जो इतिहास है, जिस इतिहास को पिछले कई सालों से दबाया जा रहा था, और मैं ये आपको ये जानकारी जरूर दूंगा कि जो इतिहास है वो कुछ समय के लिए आप दबा सकते हो, उसे मिटा नहीं सकते। और जैसे जैसे अब ये इतिहास सामने आ रहा है तो बड़े सारे जो तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं कि जिस ढंग से ये पेश किया जा रहा था कि महाराणा प्रताप जी हल्दीघाटी के युद्ध में हारे, लेकिन अब जो हिस्ट्री सामने निकल कर आ रही है, जो रिसर्च हो रही है, उसमें ये कहीं भी नहीं दर्शाया गया कि महाराणा वीर जो शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का कहीं कहीं वो हारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हिस्ट्री को जानने के लिए जो हमारी जो नई जनरेशन है, और जिस ढंग से महाराणा प्रताप जी ने देश और समाज के लिए काम किया, मैं आपके माध्यम से जो आने वाली जनरेशन है उससे अपील करूंगा कि उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में वो उस ढंग को अपनाने की वो प्रेरणा करें, ताकि उन्होंने अपनी सुखमय जीवन छोड़कर समाज के लिए और अपने देश के लिए जिस ढंग से उन्होंने काम किया, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब एक मुगलों का एक प्रेशर था, तो बड़े बड़े राजे महाराजे उस प्रेशर में आ गए और उन्होंने उनकी जो उनके अंडर वो काम करने के लिए राजी हो गए। लेकिन एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ऐसे थे जिन्होंने वो उनकी जो अधीनता स्वीकार नहीं की और वो अकेले अपने दम पर लड़े और पूरे समाज ने उनका साथ दिया, और एक समय ऐसा आया और उन्होंने दोबारा अपना जो राज्य था वो स्थापित किया। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हमें, ये एक छोटी चीज़ नहीं है, जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसने ये समझनी चाहिए कि आज हम इस जीवन में आए हैं और इस जीवन में हमने समाज को क्या देना है और देश के लिए हमने क्या करना है। अगर हम सब लोग ये समझेंगे कि देश और समाज के लिए हर आदमी ने कुछ ना कुछ देना है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। धन्यवाद।